गांव जा रहा हूँ, बस में रहता हूँ अभी, बस में बैठ के अब गांव जा रहा हूँ, बस में जाऊँगा मैं आनंद विहार, आनंद विहार से गांव। चलो पूरे सफ़र दिखाऊँगा आज, मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए, और बहुत भीड़ है बसों में। अभी अपोलो पे एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ, अभी हुआ कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत चोट लगी है, एक लेडीज़ बैठी हुई थी पीछे, उसी का एक्सीडेंट हुआ है। बहुत जाम लगा पड़ा है, अपोलो से आश्रम तक जाम लगा रहेगा, उसके बाद देखते हैं। 1:25 का मेरा ट्रेन है, देखते हैं क्या होता है ना। चलो मिलते हैं रेलवे स्टेशन। बस में पता नहीं क्या बहस होगी किससे। दोस्तों आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, और जैसे इस तरह से जा रहे हैं देखो, एकदम गर्मी गर्मी हो रखा है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आ रखे हैं और जा रहा हूँ अपने रेलवे स्टेशन, जा रहे हैं आनंद विहार पे। चलो साइड हो जाओ, अरे ताई साइड हो जाओ, सुनते नहीं है यार, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनेंगे सब सुनेंगे एक दिन। चलो भाई रेलवे स्टेशन पे जाके दिखाते है ना। भाई साहब आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ये सारे ऑटो वाले लगे पड़े हैं। आ रहा हूँ अभी, देखता हूँ। ये अकेले हो ना, एक और हो, कितने? अबे आगे ही तो देख के आ रहा हूँ मैं, इधर से तो आ रहा हूँ। हाँ अरे भाई देख के आ रहा हूँ यार, खाली होता तो मैं आता इधर, नहीं आता ना, बैठा रहा, आ रहा हूँ अभी। बहन से बात कर रहा समझ लगते हैं, एक पैसा जो लगे ये भाई। तो भाई चलो चलो वे माजा वो तो ले लो, ये माजा ले, मैं बोले माजा ले, माजा ले ठंडा माजा, मैं बोले वे माजा का बोतल ले, माजा का बोतल ले, ये भाई जंगल साढ़े दोस्त, ये जंगल आगे खाली है पूरी जगह, आगे भूख है, कौन भूख है, अरे खाली है, वीडियो बन रही है, फायदे के लिए बोल रहे खाली है, रुको मैं अपना बैग लेकर आ रहा हूँ अभी, इधर खाली नहीं है ना, यहाँ रख दूंगा फिर देख लूंगा, यहाँ रख दूंगा अपने, अरे एक बैग है, ठीक है, सब आदमी आ रहे हैं, नीचे सब आदमी आ रहे हैं, अब कितने हैं, खाली है पूरा, रुको जब देख जाओ, कब्जा तो ऐसे कर रखा है जैसे बात करा लो। अंकल कोई बैठा नहीं है ना इस पे, चलो मैं आ रहा हूँ, रखो भाई रखो, तुम भी रखो यार, आ रहा हूँ मैं भी बैग लेके। चल आ जाओ दोस्त, आ जाओ जल्दी से, जनरल में भी है अपना समझ रखा है, बाप का राज है। चलो दोस्त साइड हो जाओ यार,
यही है भाई जनरल की गवर्नमेंट में बीच में अच्छी स्कीम निकाली थी, लेकिन जो कमाने के चक्कर में सारे लोग कमाने के चक्कर में मैं अपने बना रहा हूँ यार, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियो क्यों बना रहा है हमसे जैसा लग रहा है कि क्राइम कर रहा हूँ। यही है भाई चल यार भाई दे यार बैग। अब ट्रेन चल चुकी है और हम जा रहे हैं गांव, गांव घूमेंगे, गांव का कुछ दिनों तक ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे अपना गांव। अभी तो कुछ दिन पहले ही आया था दिल्ली, फिर मेरा मन किया कि गांव चलो, गांव से दिखाते हैं आप लोगों को अपना गांव कैसा है। ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, अभी निकल पड़ी है आनंद विहार से, अब गाजियाबाद सीधे जा कर रुकेगी, 5-6 स्टॉप है, उसके बाद सुबह 5:40 तक समय है इसका, उतार देगी, उसके बाद सीधे घर, घर उसके बाद थोड़ी सफाई वफाई करनी पड़ेगी क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, है ना। ट्रेन की स्पीड बढ़ चुकी है और हम चल रहे हैं, तो ज़िंदगी ज़िंदगी के हिस्से में ये भी एक दिन आ गया है ना, ज़िंदगी के हिस्से में ये भी एक दिन आ गया कि अपने अकेले गांव जाना पड़ रहा है। चलो मिलते रहेंगे, कभी कभी ब्लॉग मतलब बोलता तो बनाता रहूँगा, ठीक है चलो। स्टेशन ट्रेन रुकी हुई है, चलो चलते आगे नहीं जाना हो, आगे नहीं मऊ रेलवे स्टेशन घुमाते। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मऊ रेलवे स्टेशन और यहाँ से उतर के जाएंगे और मऊ रेलवे स्टेशन का दर्शन करा दूंगा आपको, मऊ रेलवे स्टेशन का। इसी ट्रेन से आए हैं और हम जा रहे हैं मुझे पता होता है नहीं यार यहाँ का, लेकिन मैं चला जाऊँगा, कोई वो नहीं है। यहाँ से बीटी जाना है, बीटी से बस पकड़ के निकलना है ना, कोई वो नहीं है। तो भाई वो ये है मऊ रेलवे स्टेशन का सुबह सुबह का नज़ारा, देखते हैं किधर जाना है अपने। 4 प्लेटफॉर्म है शायद यहाँ पर। तो दोस्तों मैं इसी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये 6:30 बजे चलेगी, तो इसी में बैठ के हम जाएंगे घर। सुबह सुबह का मौसम
देखो कितना साफ सुथरा मस्त लग रहा है, है ना। रोटी पी लिया, चलेंगे आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। तो यही है भाई, देख लो मेरे गांव का नज़ारा। एक तरफ गांव ही आता है